दुनिया का सबसे सस्ता, अजीबोगरीब और सबसे सरल हवाई जहाज, तो चलो बनाते हैं। वीडियो पूरी देखना और ध्यान से देखना। तो गाइस यार, प्लेन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस फोम का इस्तेमाल करेंगे। ये है बायो फोम। आप किसी और फोम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फोम का इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि हमें हमारे हवाई जहाज को जितना हो सके उतना हल्का बनाना है। तो गाइस यार, ये जो शीट है ये थोड़ी सी बड़ी है, तो इसके अंदर से हम 20x30 इंचेस का एक टुकड़ा काट लेंगे। ये हो गया। लेकिन गाइस यार, ये जो फोम है बायो फोम, इसकी एक बुरी बात यह है कि ये इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। देखो, अगर मैं इसे थोड़ा सा मोड़ता हूँ तो ये टूट जाता है। तो हमें क्या है कि इसे थोड़ा सा मजबूत बनाना होगा, और मजबूत बनाने के लिए हम इस्तेमाल में लेंगे इस टेप का। तो इस टेप की मदद से हम इसे इस तरीके से भी कवर कर देंगे, इस तरीके से भी कवर कर देंगे दोनों तरफ से, ताकि इसके अंदर मजबूती आ सके। अभी ये हल्का भी है और काफ़ी ज़्यादा मजबूत भी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर विंग्स कहाँ लगेंगे, मोटर्स कहाँ लगेगी, बैटरी कहाँ लगेगी। तो सबसे पहले हम विंग काटते हैं। तो विंग का जो साइज है वो हम लेंगे 4x12 इंचेस का, ठीक है। अब इसके बिल्कुल सेंटर में, इसके बिल्कुल सेंटर के अंदर हमारी मोटर आएगी, ठीक है, और इससे ठीक नीचे बैटरी। यहाँ पर हम ESC लगाएंगे, और यहाँ पर आएगी हमारी सर्वो, और इधर आएगी यहाँ पर सर्वो। यहाँ पर लगाएंगे एक वर्टिकल स्टेबलाइजर, और यहाँ पर आएगा हमारे ट्रांसमीटर का रिसीवर। तो गाइस यार, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमत को हटा दे तो इस प्लेन को बनाने का जो खर्च है वो है मात्र 10 रुपये। जी हाँ गाइस, और जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक्स इसे बनाने के लिए खरीदेंगे, उन इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से आप ड्रोन्स बना सकते हैं, अलग अलग तरीके के प्लेन्स बना सकते हैं। तो वो तो यार मतलब कि पूरा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट हो गया, तो उसे हम इस प्लेन के खर्चे के अंदर काउंट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी फ्लाई स्काई के इस रिमोट कंट्रोल की, FSI6, ये वाला सबसे बढ़िया, ठीक है। और ये रहा इसका ट्रांसमीटर, और ये रही इसकी ESC जो कि यहाँ पे लगेगी। ये है 3 cell 2200mAh बैटरी, क्योंकि ये हल्की भी है और काफ़ी पावरफुल भी है, जो कि यहाँ पे लगेगी। और अब आ जाते हैं हम मोटर की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, हम चाहे तो 1000 kV की मोटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो 1400 kV की। 1000 kV की मोटर के अंदर हम इस बड़े वाले प्रोपेलर का इस्तेमाल करेंगे, 1045 इसका साइज है इस वाले का। और अगर हम 1400 kV की मोटर लेते हैं तो उसके अंदर हम इससे थोड़े से छोटे प्रोपेलर का इस्तेमाल करेंगे, इसका जो साइज है वो है 8045। तो हम यहाँ पर 1400 kV की मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तीनों वायर इसके अंदर जाएंगे, और ये इसके अंदर रिसीवर के अंदर जाएगा, और ये बैटरी के अंदर जाएगा। तो गाइस यार, विंग को और सर्वो को कनेक्ट करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जब आप सर्वो खरीदेंगे तो वो उसी के साथ में आ जाएगी, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके दोनों विंग को काटेंगे। विंग ही हमारे हवाई जहाज को कंट्रोल करेंगे, तो चलो विंग काटते हैं और फिर सारी चीज़ों को असेंबल करते हैं। ये कट गए हमारे विंग। हम इसके ऊपर टेप लगा देंगे ताकि ये आसानी से ऊपर नीचे हो सके दोनों तरफ। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो विंग है वो आसानी से अप डाउन हो सके। तो थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे हल्का सा, और इस तरीके से हल्का सा गैप छोड़ देंगे दोनों के अंदर, और फिर हम यहाँ पर टेप लगा देंगे। ठीक ऐसा ही दूसरी तरफ भी करेंगे। आप देख सकते हैं कि दोनों विंग आसानी से ऊपर नीचे हो रहे हैं, देखो दोनों तरफ। बस बन गया हमारा प्लेन। बस एक काम करना बाकी है कि हमें हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर काटना है, अंदाजे से ही काट लेंगे, और उसे यहां पर चिपकाना है। उसके बाद में सारी चीजों को इसके ऊपर असेंबल करना है एंड विंग।
गाइस आप देख सकते हैं कि हमने मोटर भी लगा दी है, 30 एम्पियर की एसी भी लगा दी है, बैटरी भी लगा दी है, सर्वो भी लगा दी है। तो अब वक्त है इन विंग्स को सर्वो के साथ में कनेक्ट करने का। तो गाइस जब आप सर्वो खरीदते हैं तो ये चीज़ें इसके साथ में मिलती है। हमारे पास ये दूसरा टाइप का है, सर्वो के साथ दूसरा आएगा, उसे सीधे इसके अंदर घुसा देना है, जिसके अंदर छेद होंगे उसके अंदर हमें तार का इस तरीके का जुगाड़ बनाना है और फिर उसे सिंपली कुछ इस तरीके से इसके अंदर लगाना है। तो पहले मैं इसके अंदर लगा देता हूँ। इसका छेद थोड़ा छोटा था तो मैंने बड़ा कर लिया, ठीक है, और ये वाला हिस्सा इसके अंदर जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से देखो, और फिर ये सीधा ही सर्वो के ऊपर कुछ इस तरीके से लग जाएगा और जैसे ही सर्वो मूव होगी हमारा विंग ऊपर नीचे काम करेगा। देखो ठीक ऐसा ही हम दूसरी वाली सर्वो के साथ में भी करेंगे। तो गाइस अभी हमने दोनों सर्वो को विंग के साथ में भी कनेक्ट कर दिया है, अब हम इन दोनों सर्वो को इस रिसीवर के साथ में कनेक्ट करेंगे। तो गाइस यार एक सर्वो इसके चैनल नंबर 1 में जाएगी और दूसरी 2 के अंदर। हमें इसका ध्यान रखना होगा कि वायर्स बिल्कुल सही लगे, अगर ये काम ना करे तो इसको पलट के भी हम लगा के चेक कर सकते हैं। तो ये हो गई पहली, ये हो गई हमारी दूसरी, और ये मोटर का वायर है, ये थ्रोटल होगा तो ये तीसरे नंबर में जाएगा, ठीक है। अब ये रही ESC, इसी से ही मोटर की स्पीड कंट्रोल होती है। तो इसके तीनों वायर के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो पीला वाला जो वायर है वो हमेशा ESC के बीच वाले वायर के अंदर जाएगा और बाकी जो दोनों बचे वायर हैं इसे आप कैसे भी लगा दीजिए, क्योंकि बाद में ये मोटर के डायरेक्शन को चेंज करने के काम आएंगे। इन दोनों को चेंज करके मोटर के घूमने की डायरेक्शन चेंज की जा सकती है, ठीक है। और ये रहा हमारा ESC का कनेक्टर। अगर आपके पास भी इसी तरह की बैटरी हो तो इसके कनेक्टर को काटने की ज़रूरत नहीं है, अगर इस टाइप के कनेक्टर की बैटरी हो तो आप इसे सिंपली यहाँ से कुछ इस तरीके से काट सकते। रेड वाला वायर रेड के अंदर और ब्लैक वाला वायर ब्लैक के अंदर, जैसे ही आप इसे कनेक्ट करेंगे इस तरीके की आवाज़ आएगी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि इस रिसीवर के अंदर भी लाइट ब्लिंक होना स्टार्ट हो गई है। देखो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ से इस रिमोट को ऑन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे रिमोट को ऑन किया इसके अंदर दोनों बैटरीज आ गई, ये हमारे इसकी बैटरी का सिग्नल है और ये ऊपर रिसीवर की बैटरी का, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने स्टार्ट किया ये सर्वो घूमी और इसने इसे ऊपर कर दिया, इसीलिए हमेशा इसे स्टार्ट करने से पहले हमें इन्हें निकाल देना चाहिए ताकि ये मुड़े ना। अब मैं इसे दोबारा से फिक्स कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब जैसे ही मैं यहाँ से इस वाले थ्रोटल को इधर उधर करता हूँ आप देख सकते हैं कि दोनों सर्वो काम करती है और इसके विंग इस तरीके से अप डाउन होते हैं। देखो आप रिमोट के अंदर सेटिंग्स के अंदर जाके इसके इसके जो मूवमेंट है इसे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इससे ऊपर जाएगा, इससे नीचे जाएगा, इससे ये जो है इधर उधर जाएगा अप डाउन, ये आप इंटरनेट पे देख के इसकी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। वैसे भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप उड़ाओगे तब आप समझ जाओगे, ठीक है। और ये वाली जो स्टिक है ये है मोटर की, जैसे ही मैं इसे चलाता हूँ देखना यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोटर घूम रही है और मोटर के घूमने की जो मतलब वो डायरेक्शन है वो इस तरीके से है। अगर मैं यहाँ से इस वाले वायर को इसमें और उसको उसमें कर दूंगा तो मोटर के घूमने की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो गाइस यहाँ तक अब आप सब कुछ समझ गए होंगे, अब बचता है तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर प्रोपेलर लगाना। प्रोपेलर के अंदर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, देखो प्रोपेलर जब भी आते हैं तो वो दो तरीके के आते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। वैसे इस चीज़ का ज़्यादा ध्यान हमें तब रखना होता है अगर हम ड्रोन वगैरह बना रहे हैं या फिर एक से ज़्यादा मोटर का किसी प्लेन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये तो सिंगल मोटर वाला है तो इसके अंदर हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। तो देखो इस तरीके का प्रोपेलर होता है, इस तरीके की इसकी फिटिंग होती है ताकि अलग अलग मोटर्स होती है तो उसके हिसाब से अलग अलग फिटिंग होती है। तो मैं एक यहाँ पे निकाल लेता हूँ, इसे लगा देता हूँ इस प्रोपेलर के यहाँ पे, देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये रहा मोटर को प्रोपेलर के साथ जोड़ने के लिए, देखो ये मोटर के साथ ही आते हैं, तो ये वाली जो चीज़ है ये इसके अंदर कुछ इस तरीके से लग जाती है और इसके बाद में ये जो चीज़ है ये कुछ इस तरीके से और फिर हमारा जो प्रोपेलर है वो कुछ इस तरीके से लग जाता है और ऊपर से हम इस टोपी को कस देते हैं। और अब हमें ये देखना होगा कि हमारा जो प्लेन का प्रोपेलर है वो उधर की साइड हवा दे रहा है या फिर आगे की तरफ। तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ,
अभी आप देख सकते हैं कि जो हवा है वो सामने की तरफ आ रही है, देखो जो हवा है वो सामने की तरफ आ रही है, यानी कि इस तरीके से हमारा प्लेन नहीं उड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसे इस तरीके से रखूँगा और फिर मैंने बताया था आपको इन वायर्स को चेंज कर दूंगा। देखो पीली वाली को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। अब चला के देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि जो हवा है वो पीछे की तरफ जा रही है, देखो हवा पूरी पीछे की तरफ आ रही है, देखो देखो और काफी ज्यादा थ्रस्ट भी है। ये जो प्लेन है ये मेरे हाथ से भागने के लिए बिल्कुल तैयार है, देखो। तो गाइस ये बन के तैयार हो गया हमारा प्लेन, और आप देख सकते हैं कि इसको कंट्रोल भी किस तरीके से करते हैं। लाओ ना पकड़ो, एक कोई प्लेन पकड़ो, देखो काफी सिंपल है, कोई ज्यादा भारी काम नहीं। यार मैं इतना डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि काफी सारे लोग हैं जो कि इनके बारे में इतना नहीं जानते हैं, जो पहले से ये सब चीजें बनाते हैं वो तो जानते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब आप बनाएं तो आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। तो ये थ्रोटल है, देखो मैं इसको क्लिक करते ही रहूँ, और ये इसके विंग्स का कंट्रोल है, देखो। तो बस इतना आसान है, देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है लेकिन बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आसान है। एक बार फिर से समझ लो, देखो इसके अंदर मैंने लिया है 8045 का प्रोपेलर, 1000 केवी की मोटर, 30 एम्पियर की ESC, 2200 mAh की बैटरी, एक रिसीवर, एक माइक्रो सर्वो और एक और माइक्रो सर्वो। ये जो साइज है ये है 4x12 का दोनों विंग्स का, और बीच में स्टेबलाइजर अंदाजे से लिया है, पूरी जो शीट है उसका साइज है 30x20 का, और ये फ्लाई स्काई का FSI6 रिमोट कंट्रोल है। अगर आप एक बार इसे परचेस कर लेते हैं तो ये चलता रहेगा। देखने में बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है कि ये चीज़ उड़ सकती है, लेकिन ये उड़ सकती है, जी हाँ गाइस। और ऐसे ही अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, बारीकी से समझने के लिए, बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी तो आप समझते ही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।